नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं इस वीडियो में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका बताऊंगा जो टेंस बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन, रीड द एक्टिव गिवन बिलो एंड देन कंप्लीट द पैसिव दैट फॉलोज। इट मीन्स पहले क्वेश्चन दिया गया है, फिर उसी क्वेश्चन के आधार पर ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसमें आपको भरना है। पहला क्वेश्चन है, हिज टीचर प्रेस्ड हिम, यानी इसमें आपको सबसे पहले टेंस की पहचान करनी होती है, जिसमें हिज टीचर सब्जेक्ट है, प्रेस्ड है वर्ब का दूसरा रूप है। इट मीन्स पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है। तो पास्ट टेंस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स का ख्याल रखना पड़ता है। इट मीन्स इसमें जो मेन वर्ब होता है वो वॉज वर्ब के साथ वी थ्री में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हिम का सब्जेक्टिव केस ही ले लिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके साथ वॉच या वर होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। इट मीन्स ही के साथ वॉच का प्रयोग करना है, फिर वी थ्री फॉर्म यानी प्रेस, प्रेज का वी थ्री प्रेस्ड होता है, तो ही वॉज प्रेस्ड बाय हिज टीचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वॉज मेकिंग अ काइट। यहाँ पे टेंस में देखा जाए सब्जेक्ट राम है, वॉज प्लस वी फोर है वर्ब। इट मीन्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग ऐड करना पड़ता है। तो ए काइट हो जाएगा, उसके बाद वॉज का प्रयोग होगा, फिर बीइंग BEING, उसके बाद वी थ्री मेट, फिर बाय रामा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही स्कोर्ड 20 रन्स, उसने 20 रन बनाए। तो यहाँ पे टेंस को अगर हम लोग देखें तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमें लेना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमारा है 20 रन्स है, तो यहाँ पर 20 सिर्फ लिया गया है, यानी रन्स आपको लिखना पड़ेगा। तो 20 रन्स हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रन्स है तो यहाँ पे वर का प्रयोग होना चाहिए, तो 20 रन्स वर स्कोर्ड बाय हिम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मैनर्स रिवील्ड कैरेक्टर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कैरेक्टर ले लिया गया है। उसके बाद ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें वॉज वर का प्रयोग होना चाहिए, तो कैरेक्टर के साथ आप वॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वी थ्री रिवील्ड हो जाएगा, उसके बाद मैनर्स हो जाएगा, इसमें बाय लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, द पुलिस अरेस्टेड हिम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम है, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है जो सब्जेक्ट के स्थान पर ले लिया गया है। उसके बाद सेंटेंस को देखा जाए तो सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए वॉस वर्ब का प्रयोग करना होगा, तो ही के अनुसार वॉस का प्रयोग हो जाएगा, उसका वी थ्री अरेस्टेड हो जाएगा और फिर बाय द पुलिस कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है, फर्स्ट का जो आपका आंसर होगा वॉस प्रेस्ड हो जाएगा, सेकंड का वॉस बीइंग मेड हो जाएगा, थर्ड का रन्स वर स्कोर हो जाएगा एंड फोर्थ का जो आपका आंसर होगा इज रिवील्ड हो जाएगा एंड फिफ्थ का वॉच अरेस्टेड हो जाएगा। एक बार फिर से बैक स्लाइड पे चलते हैं। फोर में यहाँ पर मैनर्स रिवील्ड कैरेक्टर है, इट में सिंपल पास्ट टेंस में ये सेंटेंस है, तो वॉच वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, जो कि आपका ये आंसर फोर में इज का प्रयोग किया हुआ है, जो कि गलत है, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। इट मीन्स यहाँ पर वॉस का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है, रीड द एक्टिव गिवन बिलो एंड देन कंप्लीट द पैसिव दैट फॉलोस। जिस तरह से आपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को आपने देखा सॉल्व किया, ठीक उसी तरह से सेकंड टाइप वाले क्वेश्चंस में भी आपको पहले टेंस की पहचान करनी है और पहचान करके उसको पैसिव फॉर्म में एक्सचेंज कर देना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, द मैन कट डाउन द ट्रीज,
तो इसमें आप देख पा रहे हैं द मैन सब्जेक्ट है, कट डाउन आपका ये वर्ब है एंड फ्रेजल वर्ब है, इट मीन्स इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट द ट्री ले लिया है। और अगर मैं टेंस की बात करूं तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है, तो सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर्ब का प्रयोग होता है, तो द ट्री के अनुसार वॉज का प्रयोग हो जाएगा एंड वी थ्री कट का कट ही रह जाएगा, यानी द ट्री वॉज कट डाउन बाय द मैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल डिफीट हिम, तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है सिंपल फ्यूचर टेंस का ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ किया गया सब्जेक्टिव केस के रूप में, यानी हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो ही यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड हेल्पिंग वर्ब शैल विल है, इट मीन्स विल का प्रयोग है, तो यहाँ पर हम विल यूज़ करेंगे और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसके लिए बी ई आपको अलग से ऐड करना होगा, उसके बाद बी थ्री फॉर्म आपको यूज़ करना होगा दैट इज डिफीटेड। तो फाइनल क्या हो जाएगा, ही विल बी डिफीटेड बाय मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माई फादर विल राइट अ लेटर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका ए लेटर है जो ले लिया गया है एंड ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब विल लेना पड़ेगा, उसके बाद पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बी ई आपको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद बी थ्री फॉर्म राइट का रिटर्न लिखना पड़ेगा, उसके बाद बाय माई फादर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया ए लेटर विल बी रिटर्न बाय माई फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय टीज्ड द डॉग, तो यहाँ पर टेंस की अगर हम पहचान करें तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको चूज करना है जो कि ऑलरेडी ले लिया गया है, तो द डॉग हो जाएगा, उसके बाद डॉग यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके साथ वॉच का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वी थ्री फॉर्म टीज्ड हो जाएगा, उसके बाद बाय द बॉय हो जाएगा, तो द डॉग वॉज टीज्ड बाय द बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, अगर इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जो कि ऑलरेडी इसमें सेलेक्टेड है, तो इसके अनुसार फिर आपको वॉस वर्ब का प्रयोग करना है। तो अमेरिका यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ आपको क्या करना है वॉस का प्रयोग करना है, उसके बाद वी थ्री फॉर्म दैट इज डिस्कवर्ड हो जाएगा और फिर ये कोलंबस हो जाएगा या फिर बाय कोलंबस कर सकते हैं, तो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। ये सॉल्यूशन है, पहला का आंसर आपका हो जाएगा वॉस कट, सेकेंड का विल बी डिफीटेड, थर्ड का विल बी रिटर्न एंड फोर्थ का वॉज टेस्ट एंड यू नो फाइव का वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो ओवरऑल ये दो टाइप्स के आपको क्वेश्चंस कराए गए ट्रांसफॉर्मेशन का, कि कैसे टेंस की पहचान करनी है और टेंस को पहचान करके फिर उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप सेंटेंस की टेंस की पहचान करें और फिर आप प्रयास करें उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।